हेलो दोस्तों, वेलकम टू जेसी ट्रेवलोग्राफर एंड थैंक यू फॉर योर ओवरवेलमिंग रिस्पांस इन माय प्रीवियस वीडियो। द रीजन बिहाइंड कि मैं लास्ट टाइम वीडियो नहीं बना सका, तो घर का पूरा रिनोवेशन स्टार्ट हो गया है और जो लास्ट वीकेंड से स्टार्ट हुआ तो स्टार्टिंग में इतना सब कुछ मैशअप हो गया था कि मैं टाइम नहीं निकाल पाया वीडियो के लिए। मेरे माइंड में था बहुत कुछ बनाने के लिए बट टाइम नहीं मिल पाया। सो आज के लिए मेरे पास कुछ स्पेशल है आप लोगों के लिए। तो गाइस, मैं एक ऐसे बंदे को जानता हूँ जिसके पास बहुत ही सारे इतनी यूनिक चीजें हैं कि देख के आपको मजा आ जाएगा। मैं आज उनसे आपको मिलवाऊंगा, कोशिश करूंगा। सो हम निकल रहे हैं अभी आपके लिए नया कंटेंट रिकॉर्ड करने, तो ये साइज तो शायद इंडिया में किसी ने देखे होंगे साइज की माचिस। ये भी हम आपको दिखाएंगे। इतना बड़ा कलेक्शन है ना कि एक साथ कवर करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल लग रहा है। ये देखिए आज तक की माचिस, क्योंकि आज तक न्यू चैनल है बट इनकी भी डिफरेंट डिफरेंट sizes are different quantity mein jo matlab se bhi through the wastelands through the highways till my shadow turns to sun rays and on we'll go through the wastelands through the highways and छोटे से एक शहर में रह के इतना बड़ा कलेक्शन आपने कैसे किया? देखो 38-40 साल हो गया मैंने इकट्ठी करता। मतलब आपके पास इतना मतलब वो पैशन कहाँ से मिला आपको? लाइक किसको देख के आपने ये सोचा कि हाँ तो टब्बर था इकट्ठी करिए करता, ताश खेलने का फिक्र नहीं, ताश खेल दिया करता, बाद में इकट्ठी करके डब्बा खेल लिया इकट्ठी करके। अब इकट्ठी होगी फायदा में लगा दी, ये भी जुनून हो गया माचिस इकट्ठी करना। तो लाइक मतलब 2 लाख समझे, मतलब बहुत बड़ा कलेक्शन। मतलब कोई ज्यादा नहीं है अभी तो, और देखो भगवान का मतलब नहीं 2 लाख बड़ा नहीं है पर ऐसे देखे कि सब एक एक भी ये देखो सभी भगवान की रामायण। और ये देखिए गाइस, ये उस टाइम की मैस्टिक है जब रामायण नई नई दूरदर्शन पे जब आई थी उस टाइम की इन्होंने कलेक्ट किए। चालीस साल बहुत बड़ा टाइम होता है।
एक अपने पैशन को 40 साल फॉलो करना एक बहुत ही मतलब एक बहुत ही बड़ी चीज होती है। Storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on व्यापारी ऐसी दिखा ना ये सही बता जी उनका कलेक्शन है। तो ये देखिए मंगलदीप की माचिस, ये माचिस उस टाइम की है जब माचिस के पीछे रेसिपीज लिखी आती थी। ये मैच बॉक्स है टाइप का, ये मैच बॉक्स है और इसके पीछे रेसिपीज लिखी होती थी पनीर टिक्का लाइक, इसमें आप देख सकते हैं पनीर टिक्का। और उस टाइम आप देख सकते हैं 3 रुपीज की ये मैच स्टिक थी, और अभी आप इमेजिन कर सकते हैं इसकी वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी। और आप इसको देख सकते हैं ये अभी भी फील्ड है। आपने सुना होगा कि पहले पत्थर को घिस के आग लगाते थे, सो यही वह चकमक पत्थर है जिसको रब करके एक स्पार्क प्रोड्यूस किया जाता था, और ये वो कॉटन है जो कि फायर कैच करता था और इनिशियली इग्निट होता था। क्या नाम है इसका? इसका क्या नाम है? कपूस का फूल। कपूस का फूल, और ये है चकमक पत्थर। So guys, this is a collection of the World Hotel matchboxes. So we can see the matchbox, different matchbox in every hotel we visit. So in these, all the matchsticks are from the unique hotels. Like this is from Ramada, the Leela, the Grand, and the Taj one, and the Radisson. So this is from Novotel. So this is from Chile. The single one is repeated here. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. So guys, this one is the collection of the zodiac sign from Russia. All these collection is from Russia. So this is from Ukraine. Yeah, this is from Ukraine. I don't wanna miss a beat. And on we'll go
till my shadow turns to sun rays, and I... So these boxes are the collection of four match boxes. The different color of match sticks are there. So this is collection of the martial arts, and these are the unique match sticks from Sweden. So guys, ये Zodiac Sign का सेट है, Vimco कंपनी ने निकाला था. So बहुत ही यूनिक सेट है ये, बहुत रेयरली देखने को मिलता है ये. So guys, ये प्लेइंग कार्ड्स का टाइप का सेट है, ये भी Vimco ने निकाला था, ये भी बहुत ही यूनिक और रेयर है. So guys, ये भी Vimco का सेट है, विंटेज कार्ड्स का सेट, बहुत ही रेयर एंड यूनिक सेट है ये. You can see. Yeah. Yeah. ये डिफरेंट एयरक्राफ्ट फाइटर जेट. ये गाइस मोहन जोदारा का सेट है, Vimco कंपनी ने इसको प्रिंट किया था, बट ये भी बहुत ही ओल्ड एंड रेयर एंड यूनिक है, जो कि बहुत ही यूनिक कलेक्टर्स के पास ये मिलता है. आप मैच बुक्स की कंडीशन देख सकते हैं कि ये कितना यूनिक एंड रेयर है. सो गाइस, ये कुछ मैच बॉक्स है जो कि सेट्स में ही प्रिंट हुई थी, इन्होंने पूरा का पूरा सेट कलेक्ट किया है. ये आप देख सकते हैं 1-10 नंबरिंग है इनपे. सो गाइस, ये गोल माचिस है जो कि लैंप की आती है, इसमें ऊपर रोगन होता है, इसके अंदर मैचस्टिक है, यहाँ से ओपन होता है, इसके अंदर मैचस्टिक निकलती है. सो गाइस, ये इसका ओवरव्यू है, डोमेस्टिक ऐसे निकलता है. इसके टॉप साइड में हमने आपको रोगन दिखाया था, इसके बॉटम साइड से अपन मैचस्टिक निकालते हैं. सो गाइस, ये एक छोटा सा कलेक्शन है सर्कुलर मैचस्टिक बॉक्सेस का, हम देख सकते हैं पूरा पैक पड़ा है इनके पास. सो गाइस, ये वुडन मैच बॉक्सेस है, आजकल तो पेपर में अवेलेबल होते हैं अपने को, हार्ड पेपर में, बट ये वुडन में पहले अवेलेबल होते थे, जो कि डिफरेंट पैटर्न्स और डिजाइन्स में इन्होंने कलेक्ट कर रखे हैं. यू कैन सी द क्वालिटी, आपको अंदाजा लग जाएगा कितने पुराने हैं ये. सो गाइस, दिस वन द यूनिक कलेक्शन फॉर ऑल द स्मोकर फ्रेंड्स. सो दिस वन इज द एस्ट्रे, uniquely built ashtray. This one is lighter. These are the match boxes with the unique match sticks in there. वाटरप्रूफ मैचस्टिक है, जो कि अंडर वाटर जो अपने डाइविंग वगैरह करते हैं उनके यूसेज के लिए, जैसे क्लाइंबिंग भी करते हैं तो डिफरेंट वेदर्स को अपने को फेस करना पड़ता है, तो ये मैचस्टिक है जो कि वाटरप्रूफ है, उन पे वाटर का कोई इफेक्ट नहीं होता. तो ये मोस्टली क्लाइंबिंग के टाइम यूज की जाती है. वैसे ये वाली जो मैचस्टिक है ये है एयर प्रूफ, तो इसको कहीं पे भी लाइक जो क्लाइंब करते हैं उनके लिए ये यूज आती है. तो इसमें जो एयर का इफेक्ट है उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता. तो ये मैचस्टिक है जो कि आपको देखने में ईयरबड जैसे लगेंगे, बट इनका बहुत ही यूनिक डिजाइन है, जो कि स्पेशली एयर प्रूफ मैचस्टिक और क्लाइंबिंग के लिए डिजाइन की गई है. तो ये डिफरेंट डिफरेंट इनके पास सेट्स पड़े हैं, अवेलेबल है. ये भी गाइस एयर प्रूफ मैचस्टिक है, इसमें आप देख सकते हैं. सो गाइस, ये डिफरेंट मैचस्टिक है, ये देखने में आपको एक नॉर्मल कार्ड लगेगा, बट एक्चुअली ये मैचस्टिक है. Cover of the card is red, so the plastic has a red color. Similarly, in this we can see the blue color of card, and the plastic color is also blue.
अंधेरे में ग्लो करती है। सो इनका मैचस्टिक कलर भी बहुत यूनिक कलर निकाला था कंपनी ने, बट एज इट ये लिमिटेड एडिशन था तो ऑफकोर्स श्याम जी के पास मिलना ही था। ये है प्लास्टिक मैच बॉक्सेस, दीज आर द प्लास्टिक मैच बॉक्सेस। इनकी जो पैकिंग है वो पूरी प्लास्टिक की बनी हुई है। मैग्नेट, बट इसमें ये डिफरेंस है कि इसमें मैग्नेट यहाँ पे है ताकि ये खुले नहीं। यू कैन सी, यू कैन हियर द साउंड एज वेल एंड स्टिक एंड डिफरेंट शेप्स यू कैन सी। दिस वन इज फॉर प्रैंक। वी हैव सीन द मेनी डिफरेंट पैंस एंड डिफरेंट थिंग्स इन आवर चाइल्डहुड, चॉकलेट्स एज वेल, लाइक दिस इज लाइक वन ऑफ देम। ऑल माय स्मोकर फ्रेंड्स, आपने देखा होगा सिगरेट्स इसी शेप्स की आती है, बट ये सिगरेट नहीं, ये मैचस्टिक्स है। All these matchsticks are the in a triangular shape. You can see this in a shape of heart. So guys, this is the collection of Elvis Presley. The recipe of rajma, they have written ingredients as well as the method on the matchstick. On the small matchstick, they have written everything which we can use to prepare the rajma. Guys, ye hai sabse choti matchsticks. You can relate to my hand as well. So the foot will be the size of this one. And let me open this one. So the unique matchsticks are there. So the match boxes are so small and the matchsticks are comparatively to my hand is very small. So after the smallest matchsticks in the world, it's time to see the world's largest matchsticks, which are these ones. So these are the 10 inch matchsticks. So guys, ये है पजल मैचबॉक्स, इसमें आप देख सकते हैं कि it will be used for like the area in which the humidity is the most, like West Bengal, Kerala, Tamil Nadu. ये यूज आते थे बारिश में, तो बारिश में गीला होने से बचाते थे। अभी काम नहीं आते, बट ये इन लेट 90s और 80s में इट वाज इन। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. What's left? The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. Hey guys, thank you for watching my video and finally बताइए आपको कैसी लगी। सॉरी थोड़ी सी लंबी हो गई थी वीडियो, इतना बड़ा कलेक्शन का मेरा एक्सपेक्टेशन नहीं था, बट इट वॉज ए ह्यूज कलेक्शन, तो वीडियो थोड़ी सी बड़ी बन गई इसी चक्कर में। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड आखिरी तक देखने के लिए थैंक यू। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।